आपकी बात बड़ी जेन्युइन है, डॉक्टर्स भाई कम है, खबर लिखो ना, कौन रोकता है आपको। डॉक्टर एकदम तो पैदा नहीं किया जा सकता ना। जब हमने ये समस्या 70 साल से देख रहे हैं, हम थोड़े समय में ये डॉक्टरों की कमी हम पूरी कर पाएंगे? हमने मेडिकल कॉलेज 15 बनाए ना, अब डॉक्टर को आज ही कैसे पैदा कर देंगे हम, बताइए आप मुझे। सब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर होंगे तो आएंगे। ये 10 साल में डॉक्टरों के कई बैच निकल सकते हैं सर, हम तो 5 साल तक कैसे निकलेंगे? कई बैच जितने निकले हैं वो हम पूरे कर भी रहे हैं, और हमने तो व्यवस्था भी बदली है, हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के हम मेरी बात तो सुनिए एक भी दिक्कत दे दो हम व्यवस्था कर देंगे। हम तो क्या लिखेंगे जी, पत्रकार हम, पत्रकार तो बहुत कुछ कर सकता है, आप खबर लिखो ना, कौन रोकता है आपको। कोई शक नहीं, आपकी बात बड़ी जेन्युइन है, डॉक्टर्स भाई कम है। मैं तो खुद डॉक्टर हूँ, MBBS मैंने की, मैंने जनरल सर्जरी में MS की, मैंने सर्विस भी की, मैंने प्रैक्टिस भी की। आफ्टर ऑल डॉक्टर कम थे, तभी तो हमारी सरकार ने हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खोलने का बीड़ा उठाया, और आज पूरे हरियाणा में 15 मेडिकल कॉलेज चालू हालत में है। तो इनका जो रिज़ल्ट है, जैसे आज हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 2 साल में वो बनेगा, उनमें 100 सीटें हैं, 5 साल के बाद वो डॉक्टर बन के निकलेगा। तो अब समय आया है जब डॉक्टर समय अच्छी उपलब्धता में अवेलेबल होंगे, और ये शॉर्टली थोड़े समय में ये डॉक्टरों की कमी हम पूरी कर पाएंगे, जिससे सुचारू रूप से लोगों के स्वास्थ्य मेडिकल कॉलेज में काफ़ी लंबा समय चलेगा। परंतु अब डिलीवरी की अगर बात की जाए, CMO मैडम को खुद खड़े होकर डिलीवरी करना पड़ता है, ऐसे हालात हैं, क्या टेम्परेरी व्यवस्था कोई की जा सकती है? आप लगते हैं कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई। बिल्कुल सर, डॉक्टर एकदम तो पैदा नहीं किया जा सकता ना। जब हमने ये समस्या 70 साल से देख रहे हैं, हमने इस समस्या को दूर करने का एक उपाय बताया ना, हमने मेडिकल कॉलेज 15 बनाए ना, अब डॉक्टर को आज ही कैसे पैदा कर देंगे हम, बताइए आप मुझे। NHM के थ्रू या ड्राइवर, नहीं, वो सब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर होंगे तो आएंगे। ये बात 10 साल में डॉक्टरों के कई बैच निकल सकते हैं सर, हम तो 10 साल 5 साल तक कैसे निकलेंगे? कई बैच जितने निकले हैं वो हम पूरे कर भी रहे हैं, और हमने तो व्यवस्था भी बदली है, हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के, हम मेरी बात तो सुनिए एक भी महिला डॉक्टर नहीं सर, सुनिए कोई बात नहीं, दिक्कत दे दो हम व्यवस्था कर देंगे। हम तो क्या लिखेंगे जी, पत्रकार हम, पत्रकार तो बहुत कुछ कर सकता है, आप खबर लिखो ना, कौन रोकता है आपको। चलिए अब मुझे ये बताइए कि हेड ऑफ द यूनिट, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट यूनिट जो यहां अपेक्षित थे, वो सभी आए हैं क्या?